संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब ये बात फैली लोगों के बीच में, इनके नेताओं ने ही नहीं इनको कहलाया गया, जब ज्यादा फैलने लगे और मोदी जी को लगा कि नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तो वो कहने लगे कि हम संविधान बदलेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन्होंने इसी तरह से बहुत ऐसी चीजें की हैं जिससे जनता को कमजोर किया है। इसीलिए आज जब आप वोट डालते हैं, सबसे पहले तो जो मैंने कहा, आपके अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालना चाहिए। आपके लिए काम करके कौन दिखा रहा है, उस काम का प्रमाण क्या है, आपके जीवन में क्या अनुभव है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, मेरे लिए कुछ तरक्की हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों से केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वहां मोदी जी, यहां योगी जी, आपको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में रोजगार मिले हैं आपको, तरक्की आई है, महंगाई बढ़ गई है, कमाई कम हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो जो इनका काम है इसका प्रमाण तो आपके जीवन में आपको दिख रहा है, तो इसके आधार पर अपना वोट दो। अब कांग्रेस की मैंने बताया कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं इनकी जानकारी लो, मेरे कहने पे मत सुनो, जानकारी लो कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि कर्नाटका में आपकी जैसे जो बहनें हैं, मेरी सबसे बड़ी महिला जो हर परिवार की, उसको 2000 रूपये हर महीने मिलते हैं सरकार से, जहां उसको बस यात्रा मुफ्त में करनी पड़ती है वो सारी पूरे प्रदेश में बस यात्रा महिलाओं के लिए मुफ्त है। आज महिलाएं जितनी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हैं पूरे प्रदेश में, बस लेके अपने मायके में जा रही हैं मिलने के लिए रिश्तेदारों से, सब मुफ्त। ये हो रहा है कांग्रेस के प्रदेशों में। कांग्रेस के प्रदेशों में किसानों का कर्ज माफ हुआ है, किसानों के लिए अच्छी अच्छी स्कीम आई है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। आज के दिन आपको सिर्फ एक फोन लगा के या किसी से पूछो जिसको जानकारी हो उस प्रदेश की, आपको पता चलेगा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां काम हो रहा है। और अब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब ये बात फैली लोगों के बीच में, इनके नेताओं ने ही नहीं इनको कहलाया गया, जब ज्यादा फैलने लगे और मोदी जी को लगा कि नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तो वो कहने लगे कि हम संविधान बदलेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन्होंने इसी तरह से बहुत ऐसी चीजें की हैं जिससे जनता को कमजोर किया है। इसीलिए आज जब आप वोट डालते हैं, सबसे पहले तो जो मैंने कहा, आपके अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालना चाहिए। आपके लिए काम करके कौन दिखा रहा है, उस काम का प्रमाण क्या है, आपके जीवन में क्या अनुभव है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, मेरे लिए कुछ तरक्की हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों से केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वहां मोदी जी, यहां योगी जी, आपको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में रोजगार मिले हैं आपको, तरक्की आई है, महंगाई बढ़ गई है, कमाई कम हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो जो इनका काम है इसका प्रमाण तो आपके जीवन में आपको दिख रहा है, तो इसके आधार पर अपना वोट दो। अब कांग्रेस की मैंने बताया कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं इनकी जानकारी लो, मेरे कहने पे मत सुनो, जानकारी लो कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि कर्नाटका में आपकी जैसे जो बहनें हैं, मेरी सबसे बड़ी महिला जो हर परिवार की, उसको 2000 रूपये हर महीने मिलते हैं सरकार से, जहां उसको बस यात्रा मुफ्त में करनी पड़ती है वो सारी पूरे प्रदेश में बस यात्रा महिलाओं के लिए मुफ्त है। आज महिलाएं जितनी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हैं पूरे प्रदेश में, बस लेके अपने मायके में जा रही हैं मिलने के लिए रिश्तेदारों से, सब मुफ्त। ये हो रहा है कांग्रेस के प्रदेशों में। कांग्रेस के प्रदेशों में किसानों का कर्ज माफ हुआ है, किसानों के लिए अच्छी अच्छी स्कीम आई है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। आज के दिन आपको सिर्फ एक फोन लगा के या किसी से पूछो जिसको जानकारी हो उस प्रदेश की, आपको पता चलेगा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां काम हो रहा है।